हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मैथ स्टडी स्टेशन विद पीके सर। आज हम चैप्टर नंबर सेकंड स्टार्ट करेंगे पॉलिनोमियल्स एंड रैशनल एक्सप्रेशन आईआईटी फाउंडेशन सीरीज का। इससे पहले वाली तीन वीडियोस में हमने फर्स्ट चैप्टर कर चुके हैं हम आईआईटी फाउंडेशन सीरीज, तो आज सेकंड चैप्टर स्टार्ट करेंगे। तो देखिए, सेकंड चैप्टर में लेवल फर्स्ट के जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो क्या है, द एलसीएम ऑफ द पॉलिनोमियल 18 एक्स रेज टू पावर 4 माइनस एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर एंड 24 इंटू एक्स रेज टू पावर 6 प्लस एक्स क्यूब इज। आपको इसमें एलसीएम फाइंड आउट करना है। तो जैसे आपने फर्स्ट चैप्टर में एलसीएम और एचसीएफ फाइंड आउट करना सीखा था, ऐसे ही पॉलिनोमियल एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन का आप एलसीएम और एचसीएफ फाइंड आउट कर सकते हैं। सेम नियम वही है, बस केवल इसमें भी क्या करना पड़ेगा आपको, पहले इसके फैक्टर करने हैं, फिर इसके फैक्टर करने हैं। जो दोनों में कॉमन है वो लेंगे, जो कॉमन नहीं है वो भी लेंगे, यानी कि कॉमन वाले हाईएस्ट पावर वाले लेंगे, तो वो जो होगा उसका एलसीएम हो जाएगा, और जो दोनों में कॉमन है वो उसका एचसीएफ होता है। तो देखिए, अगर 18 के अगर आप फैक्टर करें तो आपको मिलेंगे 2 इंटू 3 रेज़ टू पावर 2, और आप एक्स की पावर 4 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर में से एक्स स्क्वायर कॉमन ले सकते हैं, तो आपको मिलेगा एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1 मिल जाएगा। ऐसे ही आप 24 के फैक्टर बना सकते हैं 2 रेज टू पावर 3 इंटू 3, और यहाँ से आप एक्स क्यूब कॉमन लेंगे तो आपको मिलेगा एक्स क्यूब प्लस 1, और एक्स क्यूब प्लस 1 यानी कि ए क्यूब प्लस 1 का अगर आप फॉर्मूला यूज़ करें, फैक्टर बनाएं, तो क्या होंगे, एक्स प्लस 1 इंटू में एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1 हो जाएगा। तो इट मीन्स अब दोनों में देखिए कॉमन क्या है, 2 दोनों में कॉमन है, और 2 की हाईएस्ट पावर क्या है, 2 की पावर 3, 3 दोनों में कॉमन है तो हाईएस्ट पावर क्या है, 3 है इसमें तो 3 आएगा, 3 की पावर 2 है तो इसमें हाईएस्ट पावर क्या है, 3 की पावर 2, क्योंकि 18 वाले में 2 इंटू 3 की पावर 2 था, तो हाईएस्ट पावर है 3 की पावर 2 इंटू, अब दोनों में देखिए क्या कॉमन है, एक्स क्यूब इसमें भी है और इसमें एक्स स्क्वायर, तो हाईएस्ट पावर एक्स की कॉमन है एक्स क्यूब, और एक्स प्लस 1 भी आएगा, कॉमन है या नहीं है वो भी लेंगे, और एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1 भी आएगा, जिसको मैं क्या लिख सकता हूँ, एक्स क्यूब प्लस 1। तो इसका आंसर क्या आएगा, 3 की पावर 2 करेंगे तो कितना आएगा आपको, 9, और 2 की पावर 3 क्या आएगा, 8, तो 8 9 जा 72, तो 72 एक्स क्यूब प्लस 1 ये आपका आंसर आ जाएगा। तो 72 एक्स क्यूब इंटू एक्स क्यूब प्लस 1 यानी कि ऑप्शन डी हो जाएगा इसका आंसर फर्स्ट पर। ऐसे ही सेकंड करेंगे तो एलसीएम ऑफ द पॉलिनोमियल एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 9 एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स, इसमें भी ऐसे ही फैक्टर बना लेंगे, 3 की पावर 2 हो जाएगा, 9 को लिख सकते हैं, इनमें से आपको एक्स स्क्वायर कॉमन मिलेगा तो आपको मिलेगा एक्स स्क्वायर नहीं इसमें से एक्स कॉमन मिलेगा, तो क्या रहेगा आपका एक्स स्क्वायर, ये आपका आएगा 3 की पावर 2 एक्स कॉमन, तो एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 हो जाएगा आपका। और सेकंड जी एक्स वाले फंक्शन में 3 इंटू एक्स क्यूब का फिर से फॉर्मूला, एक्स प्लस 1 इंटू में एक्स स्क्वायर प्लस 1 माइनस में एक्स के, अब दोनों में कॉमन कॉमन है, 3 कॉमन है, 3 की हाईएस्ट पावर क्या है 2, तो 3 की पावर 2, एक्स दोनों में कॉमन नहीं है तो भी आएगा एक्स आ जाएगा, अब x प्लस 1 भी नहीं है, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 भी नहीं है, तो क्या आएगा, इंटू में x प्लस 1 इंटू में एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 इंटू में एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 1, एक्स स्क्वायर प्लस 1 माइनस में x, ये सभी के सभी वैल्यूज इसके अंदर आ जाएंगे, तो इसका आंसर क्या आएगा, 3 की पावर 2 यानी कि 9, 9 एक्स आंसर होगा, 9 एक्स एक्स प्लस 1 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 इंटू एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1 यानी कि ऑप्शंस ऑप्शन होगा इसका, बी ऑप्शन हो जाएगा आपका 9x, क्योंकि सी क्यों नहीं हो सकता, क्योंकि सी में 9 है लेकिन 9x नहीं है, और इसके एलसीएम में 9x भी आ रहा है, तो क्या आएगा, 9x इंटू एक्स प्लस 1 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 इंटू एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1, ये सेकेंड क्वेश्चन का आपका आंसर हो जाएगा। थर्ड वन है द एलसीएम ऑफ पॉलिनोमियल, इसमें भी फिर से फैक्टर करेंगे हम, अगर आप देखें तो इसमें 14 के फैक्टर करेंगे 2 इंटू में 7 हो जाएगा, और एक्स स्क्वायर माइनस 1 है, यहाँ पे फॉर्मूला लग जाएगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का, तो क्या होगा, ए माइनस बी इंटू में ए प्लस बी, और ये एक्स स्क्वायर प्लस 1 एज इट इज रहेगा। अब 18 के फैक्टर करेंगे 2 इंटू में 3 रेज टू पावर 2 हो जाएगा,
और ये एक्स की पावर 4 माइनस 1 है, इसको मैं लिख सकता हूँ एक्स स्केयर का होल स्केयर माइनस में 1 का स्केयर, ये हो जाएगा आपका ए स्केयर माइनस बी स्केयर, यानी कि एक्स स्केयर माइनस 1 इंटू में एक्स स्केयर प्लस 1 और एक्स प्लस 1 एज इट इज रहेगा। अब इसमें देखें दोनों में कॉमन कौन है, टू दोनों में कॉमन है तो एक तो क्या आ जाएगा आपका टू आ जाएगा, उसके बाद थ्री नहीं है कॉमन तो थ्री भी लेकिन आएगा, कॉमन है या नहीं है इससे मतलब सब आते हैं, तो 3 की पावर 2 इंटू में 7 इंटू में अब एक्स माइनस 1 इंटू एक्स प्लस 1 यानी कि एक्स स्केयर माइनस 1, अब एक्स स्केयर माइनस 1 इधर से भी क्या आ रहा है एक्स स्केयर माइनस 1 आ रहा है, तो एक्स स्केयर माइनस 1 भी कॉमन होगा और एक्स स्केयर प्लस 1 भी होगा क्योंकि इसमें एक्स स्केयर प्लस 1 भी आ रहा है और इंटू में एक्स प्लस 1 भी हो जाएगा, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर आपका हो जाएगा इसमें बी, क्योंकि 2 इंटू में 3 का स्केयर इंटू 7 अगर आप इसको सोल्व करें, 3 को 3 से करेंगे 9 और 9 की 7 से करेंगे 63, 63 की 2 से करेंगे 126 और एक्स प्लस 1 दोनों में था ही और फिर एक्स स्केयर प्लस 1 इंटू में एक्स स्केयर माइनस 1 क्योंकि इसके अपने जो फैक्टर किए थे वो किए थे एक्स स्केयर माइनस 1 इंटू में एक्स स्केयर प्लस 1, तो एक्स स्केयर माइनस 1 तो दोनों में कॉमन है और एक्स स्केयर प्लस 1 भी दोनों में कॉमन है और एक्स प्लस 1 यहाँ से रह जाएगा आपका जो एक्स स्केयर माइनस 1 से। अब क्वेश्चन नंबर फोर्थ देखिए, इफ एस सी एफ एंड एल सी एम ऑफ टू पॉलिनोमियल पी एक्स एंड क्यू एक्स एक्स इंटू एक्स प्लस पी एंड 12x² एक्स माइनस पी इंटू एक्स स्केयर माइनस पी स्केयर रिस्पेक्टिवली, इफ पी एक्स इज इक्वल टू 4x² इंटू एक्स प्लस पी देन क्यू एक्स फाइंड आउट करना आपको। अब अपने फॉर्मूला पढ़ा था एल सी एम इंटू में एस सी एफ इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स, अब एक नंबर है पी एक्स दूसरा है क्यू एक्स, तो पी एक्स इंटू क्यू एक्स इज इक्वल टू किसके हो जाएगा एल सी एम इंटू में एस सी एफ, ये वाला कंसेप्ट हम यूज़ करेंगे। तो आपका पी एक्स क्या है, यहाँ पे पी एक्स है आपके पास एक्स इंटू एक्स प्लस पी और क्यू एक्स आपका क्या है, पी एक्स है आपका 4x² इंटू में एक्स प्लस पी और क्यू एक्स आपको फाइंड आउट करना है और आपका एल सी एम एस सी एफ क्या है एक्स इंटू एक्स प्लस पी और आपका एल सी एम क्या है 12x² एक्स माइनस में पी इंटू में एक्स स्केयर माइनस पी स्केयर। अब इससे इसको डिवाइड कर देंगे हम तो क्यू एक्स की वैल्यू आ जाएगी, तो क्यू एक्स की वैल्यू क्या आएगी डिवाइड करने के बाद, वो आ जाएगी आपकी 3x इंटू एक्स माइनस पी का स्केयर इंटू एक्स प्लस पी, तो फोर्थ का ऑप्शन क्या हो जाएगा ऑप्शन ए हो जाएगा। जब आप इस कंप्लीट टर्म्स को इससे डिवाइड कर देंगे तो काटने के बाद आपका आंसर क्या आएगा 3x इंटू एक्स माइनस पी का स्केयर इंटू एक्स प्लस पी, तो ऑप्शन ए आंसर हो जाएगा आपका। फिफ्थ वन है द प्रोडक्ट ऑफ एस सी एफ एंड एल सी एम ऑफ टू पॉलिनोमियल इज एक्स स्केयर माइनस 1 इंटू एक्स की पावर 4 माइनस 1 देन द प्रोडक्ट ऑफ पॉलिनोमियल इज, सेम वही कंसेप्ट यूज होगा एस सी एफ इंटू एल सी एम इज इक्वल टू द प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स, तो प्रोडक्ट ऑफ पॉलिनोमियल क्या होगा इन दोनों के प्रोडक्ट के इक्वल हो जाएगा, तो इन दोनों के प्रोडक्ट करेंगे एक्स स्केयर माइनस 1 इंटू में एक्स की पावर 4 माइनस 1, इसको ओपन करेंगे एक्स की पावर 4 माइनस 1 को तो एक्स स्केयर माइनस 1 इंटू में एक्स स्केयर प्लस 1 आएगा और ये फर्स्ट वाला एक्स स्केयर माइनस 1, तो फॉर्मूला हो जाएगा एक्स स्केयर माइनस 1 का स्केयर इंटू एक्स स्केयर प्लस 1, तो ऑप्शन क्या हो जाएगा सी ऑप्शन हो जाएगा एक्स स्केयर माइनस 1 का स्केयर इंटू एक्स स्केयर प्लस 1 हो जाएगा। सिक्स्थ वन है इफ एक्स प्लस 1 एक्स प्लस 4 इंटू एक्स माइनस 2 इंटू एक्स प्लस 1 इज द एस सी एफ ऑफ द पॉलिनोमियल एफ एक्स इज इक्वल टू दिस वन एंड जी एक्स इज इक्वल टू दिस वन देन ए कॉमा बी इज, तो आपको एफ एक्स दिया हुआ है जी एक्स दिया हुआ है और आपको एस सी एफ दिया हुआ है, तो आपको ए कॉमा बी यानी कि ये दोनों नंबर फाइंड आउट करने हैं। तो अब देखिए एफ एक्स के आपके पास एक्स स्केयर प्लस 2x - 8 है, अगर आप इसके फैक्टर करेंगे तो फैक्टर बनाएंगे बाय स्प्लिटिंग द मिडल टर्म्स, तो इसके फैक्टर बन जाएंगे आपके एक्स प्लस 4 इंटू में एक्स माइनस में 2, अब ये एक्स स्केयर प्लस 4x प्लस ए ये एज इट इज रहेगा आपका। ऐसे ही जी एक्स में अगर आप फैक्टर बनाएंगे जी एक्स में अगर आप फैक्टर बनाए एक्स स्केयर माइनस 2 के, तो आपके क्या फैक्टर बनेंगे
बाय स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म से एक्स माइनस टू इंटू एक्स प्लस वन और ये एक्स स्केयर प्लस थ्री एक्स माइनस बी आपका एज इट इज रहेगा। अब देखिए एस सी एफ क्या है इन दोनों पॉलिनोमियल का, एफ एक्स का और जी एक्स का, वो है आपका एस सी एफ एक्स प्लस फोर इंटू एक्स माइनस टू इंटू एक्स प्लस वन। जब एक्स प्लस फोर इंटू एक्स माइनस टू इंटू एक्स प्लस वन इसका फैक्टर है तो इट मीन्स ये इसके फैक्टर है तो इसको सेटिस्फाई भी करेंगे यानी इससे डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर क्या आएगी, जीरो। तो अभी एक्स प्लस फोर और एक्स माइनस टू तो इसमें ऑलरेडी आ रहा है अब, तो ये तो इससे कैंसिल हो जाएंगे तो एक्स प्लस वन भी इसका फैक्टर होगा। तो पुट करेंगे एक्स की वैल्यू क्या, माइनस वन। अगर एक्स की वैल्यू माइनस वन इस पॉलिनोमियल के अंदर एफ एक्स के अंदर आप पुट करते हैं तो आपको मिलेगा क्या, ए इज इक्वल टू क्या मिल जाएगा, थ्री मिल जाएगा। क्योंकि इसमें जब हम एक्स इज इक्वल टू माइनस वन पुट करेंगे तो माइनस वन प्लस फोर आ जाएगा आपका थ्री और माइनस वन माइनस टू आ जाएगा माइनस थ्री इंटू वन माइनस में फोर प्लस ए इज इक्वल टू क्या होगा, जीरो। क्योंकि इससे डिवाइड करने के बाद ये किसके को आएगा, जीरो के। तो ए की वैल्यू क्या आ जाएगी आपकी, थ्री। ऐसे ही इसके अंदर हम वैल्यू पुट करेंगे एक्स इज इक्वल टू माइनस फोर क्योंकि एक्स माइनस टू ये कैंसिल, ये इससे कैंसिल तो एक्स आपका एक्स प्लस फोर भी इसका फैक्टर होगा तो एक्स प्लस फोर इज इक्वल टू जीरो, एक्स इज इक्वल टू माइनस फोर। तो रिमाइंडर क्या आएगी, रिमाइंडर थ्योरम से जीरो के इक्वल। तो इसमें ये वैल्यू पुट करेंगे जीरो के इक्वल आएगी तो वहाँ से आपकी बी की वैल्यू आ जाएगी और बी की वैल्यू आएगी आपकी प्लस के फोर। तो आंसर क्या हो जाएगा आपका, थ्री कोमा फोर आंसर हो जाएगा। तो थ्री कोमा फोर ऑप्शन डी इसका आंसर हो जाएगा। सेवंथ क्वेश्चन देखिए, फाइंड द एलसीएम ऑफ एक्स क्यू माइनस एक्स स्केयर प्लस एक्स माइनस वन एंड एक्स क्यू माइनस टू एक्स स्केयर प्लस एक्स माइनस टू। आपको इसमें एलसीएम निकालना है तो क्या करेंगे, दोनों का फैक्टर बनाएंगे पहले, एक्स क्यू माइनस एक्स स्केयर प्लस वन माइनस वन। इसमें से देखें तो फर्स्ट टू टर्म से एक्स स्केयर कॉमन आएगा, आपको मिलेगा एक्स माइनस वन प्लस में वन कॉमन एक्स माइनस में वन। तो आपको मिल जाएगा ये एक्स माइनस वन इंटू में एक्स स्केयर प्लस वन मिल जाएगा। ऐसे सेकेंड वाली टर्म से अगर आप देखें तो आपको क्या कॉमन मिलेगा, एक्स स्केयर। तो क्या रहेगा ये एक्स माइनस में टू प्लस वन कॉमन एक्स माइनस में टू। अब एक्स माइनस टू कॉमन तो क्या रहेगा, एक्स स्केयर प्लस वन। अब आप देखें दोनों में कौन कॉमन है, एक्स स्केयर प्लस वन, तो एक्स स्केयर प्लस वन भी आएगा। अब एक्स माइनस वन और एक्स माइनस टू भी आएगा, कॉमन है वो भी लेते हैं, जो कॉमन नहीं है वो भी लेते हैं। तो एक्स माइनस वन इंटू एक्स माइनस टू इंटू एक्स स्केयर प्लस वन इसका क्या हो जाएगा, एलसीएम हो जाएगा। देखिए ये ऑप्शन है क्या, अब ऑप्शन देखें तो ये ऑप्शन सी है, एक्स स्केयर प्लस वन इंटू एक्स माइनस वन इंटू एक्स माइनस टू। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी हो जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर एट देखिए, एट में क्या था, एस सी एफ ऑफ पॉलिनोमियल पी एक्स एंड क्यू एक्स इज सिक्स एक्स माइनस नाइन देन पी एक्स एंड क्यू एक्स कुड बी। अब पी एक्स और क्यू एक्स का आपको एस सी एफ दिया हुआ है, आपको क्या फाइंड आउट करना है, पी एक्स एंड क्यू एक्स। तो पी एक्स और क्यू एक्स क्या हो सकती है, तो देखिए जो एस सी एफ होगा आपने फॉर्मूला बढ़ाया, पी एक्स इंटू क्यू एक्स इज इक्वल टू क्या होगा, एस सी एफ इंटू में एल सी एम। इसका मतलब जो आपको ये देखना है कि पी एक्स और क्यू एक्स वो दोनों में कॉमन होने चाहिए, यानी कि दोनों में जो कॉमन आएगा वो किसके इक्वल आना चाहिए, सिक्स एक्स माइनस नाइन। अगर आप इसको थ्री कॉमन ले ले तो क्या बचेगा, टू एक्स माइनस थ्री बच जाएगा, जिसमें जिन दो पॉलिनोमियल में ये दोनों टर्म्स कॉमन आएंगे वही इसका क्या होगा, एस सी एफ होगा। अब जैसे फर्स्ट टर्म देखें, अगर पी एक्स थ्री है और क्यू एक्स टू एक्स माइनस थ्री है तो दोनों में थ्री और टू एक्स माइनस थ्री कॉमन नहीं है, इसमें तो कुछ भी कॉमन नहीं है तो ये इसका एस सी एफ नहीं हो सकता। ऑप्शन बी में अगर हम देखते हैं तो यहाँ पे 12x माइनस एट है और इधर 2 है, तो इसमें से भी 3 इंटू टू एक्स माइनस थ्री कॉमन नहीं आ सकता। लेकिन अगर आप ऑप्शन नंबर सी देखें तो इसमें से देखिए, दोनों में से देखिए, अगर पी एक्स ये हो जाए और क्यू एक्स सिक्स एक्स सिक्स इंटू टू एक्स माइनस थ्री हो जाए तो दोनों में से 3 कॉमन आ रहा है क्योंकि 6 के फैक्टर होंगे 3 इंटू टू, और दोनों में से 2x माइनस थ्री भी कॉमन आ रहा है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, क्योंकि जो दोनों में कॉमन आना चाहिए। तो पी एक्स क्या हो जाएगा, 3 इंटू टू एक्स माइनस थ्री का स्केयर और क्यू एक्स का हो जाएगा सिक्स इंटू टू एक्स माइनस थ्री, क्योंकि एस सी एफ होता है जो दोनों में कॉमन आएगा। अब दोनों में थ्री भी कॉमन आ रहा है, टू एक्स माइनस थ्री भी, तो इसका एस सी एफ सिक्स एक्स माइनस नाइन होगा, जब पी एक्स आपका थ्री इंटू टू एक्स माइनस थ्री का स्केयर और क्यू एक्स जो है सिक्स इंटू टू एक्स माइनस थ्री हो जाए। अब क्वेश्चन नंबर नाइन्थ देखिए, इफ द एस सी एफ ऑफ द पॉलिनोमियल एफ एक्स एंड जी एक्स इज फोर एक्स माइनस सिक्स एंड एफ एक्स एंड जी एक्स कुड बी। सेम डिटो क्वेश्चन है जैसे क्वेश्चन नंबर एट था, तो इसमें भी देख लीजिए, इसका भी ऑप्शन क्या होगा, सी, क्योंकि दोनों में क्या कॉमन आ रहा है, टू कॉमन आ रहा है
फोर एक्स माइनस सिक्स है ये, तो टू कॉमन टू एक्स माइनस थ्री हो जाएगा, दोनों में टू कॉमन आ रहा है और टू एक्स माइनस थ्री भी कॉमन आ रहा है, तो कौन सा ऑप्शन हो जाएगा इसका, ऑप्शन सी हो जाएगा। तो नाइन्थ का आंसर क्या आएगा, ऑप्शन नंबर सी। अब टेंथ देखिए क्या है, इफ द एस सी एफ ऑफ द पॉलिनोमियल एफ एक्स एंड जी एक्स देन ए प्लस बी, ये भी सेम डिटो क्वेश्चन है जैसे अभी मैंने क्वेश्चन नंबर आपको कराया था, सिक्स्थ किया था हमने, तो उसमें हमने ए और बी की वैल्यू फाइंड आउट की थी सिक्स्थ क्वेश्चन में। तो सेम ऐसे इसमें भी क्या करेंगे हम, एफ एक्स आपका क्या दिया हुआ है, एक्स प्लस थ्री इंटू थ्री एक्स स्क्वायर माइनस सेवन एक्स माइनस ए, और जी एक्स दिया हुआ है एक्स माइनस थ्री इंटू टू एक्स स्क्वायर प्लस थ्री एक्स प्लस बी, और इन दोनों का एस सी एफ क्या है, एक्स प्लस थ्री, तो एक्स प्लस थ्री इंटू एक्स माइनस थ्री देन ए प्लस बी निकालना है। तो एक्स प्लस थ्री और एक्स माइनस थ्री इसका एस सी एफ है, तो इसको सेटिस्फाई भी करेगा। तो एफ एक्स में आप क्या पुट करेंगे, एक्स इज इक्वल टू थ्री पुट करेंगे आप, तो रिमाइंडर किसके इक्वल आएगी, जीरो के इक्वल आएगी। तो जहाँ पे भी आपको एक्स दिखाई दे रहा है उसको रिप्लेस कर देंगे थ्री में, थ्री प्लस थ्री क्या हो जाएगा सिक्स, इंटू में थ्री का स्केयर क्या होगा नाइन, नाइन थ्री जा क्या होगा ट्वेंटी सेवन, ट्वेंटी सेवन माइनस में सेवन टू जा क्या हो जाएगा आपका फोर्टीन, माइनस सेवन थ्री जा आएगा ट्वेंटी वन माइनस में ए, और इज इक्वल टू किसके आएगा ये जीरो के। तो ये आपको सोल्व करके आ जाएगा थर्टी सिक्स माइनस सिक्स इज इक्वल टू जीरो। आप इसको सोल्व करेंगे आप तो माइनस के सिक्स ए इज इक्वल टू माइनस थर्टी सिक्स, माइनस से माइनस कैंसिल, ए इज इक्वल टू थर्टी सिक्स बाई सिक्स, सिक्स सिक्स जो थर्टी सिक्स, तो ए की वैल्यू आ जाएगी आपकी सिक्स। सेम ऐसे ही आप किसकी वैल्यू निकाल देंगे, बी की, यानी कि आप ये जी एक्स वाली टर्म्स में क्या पुट करेंगे, एक्स इज इक्वल टू माइनस थ्री पुट कर देंगे आप। तो माइनस थ्री पुट करेंगे तो आपका क्या मिल जाएगा, माइनस फिफ्टी फोर माइनस सिक्स बी इज इक्वल टू जीरो, यानी कि माइनस के सिक्स बी इज इक्वल टू 54 और b की वैल्यू क्या आ जाएगी आपकी, माइनस के 9 आ जाएगी। तो a प्लस बी यानी कि 6 माइनस 9 क्या आएगा, माइनस 3। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, ऑप्शन नंबर c आ जाएगा आपका, ये आपका आंसर हो जाएगा माइनस 3। तो ये टेंथ क्वेश्चन हो गया इसका। इलेवंथ देखिए, फाइंड द एस सी एफ ऑफ द पॉलिनोमियल एफ एक्स एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्र प्लस वन प्लस एक्स प्लस वन एंड जी एक्स एक्स क्यूब माइनस एक्स स्क्र प्लस एक्स माइनस वन, दोनों के फैक्टर कर लीजिए आप पहले। अगर आप फर्स्ट वाली टर्म्स में देखें एक्स स्क्र पहले दोनों टर्म्स से कॉमन तो क्या रहेगा एक्स प्लस वन, नेक्स्ट दोनों में से वन कॉमन क्या रहेगा एक्स प्लस वन, इन सब से एक्स प्लस वन कॉमन इंटू में एक्स स्क्र प्लस वन, ऐसे ही जी एक्स के फैक्टर बना लीजिए आप। फर्स्ट टू टर्म्स में से एक्स स्क्र कॉमन एक्स माइनस में वन और प्लस वन एक्स माइनस में वन, तो एक्स माइनस वन इंटू में एक्स स्क्र प्लस वन। अब दोनों में देखिए क्या कॉमन आ रहा है, एक्स स्क्र प्लस वन दोनों में कॉमन है, तो इसका एस सी एफ क्या हो जाएगा, एक्स स्क्र प्लस वन। अब ऑप्शन में देखिए एक्स स्क्र प्लस वन है क्या, अगर हम इसमें देखें तो एक्स स्क्र प्लस वन आपके पास आ रहा है, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। तो इलेवंथ का क्या होगा, ऑप्शन सी। अब ट्वेल्थ देखिए, इफ द एस सी एफ ऑफ एक्स क्यूब प्लस टू एक्स स्क्र माइनस ए एक्स एंड टू एक्स क्यूब प्लस फाइव एक्स स्क्र माइनस थ्री एक्स इज एक्स इंटू एक्स प्लस थ्री देन ए, सेम ऐसे ही है जैसे भी हमने क्वेश्चन नंबर टेंथ किया था। तो आप इसमें देखिए पी एक्स क्या है, एक्स क्यू प्लस टू एक्स स्क्र माइनस ए एक्स, यहाँ से एक्स कॉमन ले सकते हैं आप लेना चाहिए तो, और ये क्या रह जाएगा एक्स स्क्र प्लस टू एक्स माइनस ए, ऐसे जी एक्स है टू एक्स क्यू प्लस फाइव एक्स स्क्र माइनस थ्री एक्स, तो इसमें से भी अगर हम एक्स कॉमन ले लें तो क्या रह जाएगा आपके पास टू एक्स स्क्र प्लस फाइव एक्स माइनस थ्री। अब एस सी एफ इसका क्या है, एक्स इंटू एक्स प्लस थ्री इसका एस सी एफ है, तो एक्स की वैल्यू क्या पुट करेंगे, माइनस थ्री पुट करेंगे, एक्स माइनस थ्री पुट करेंगे तो माइनस थ्री का क्यूब क्या आ जाएगा, यहाँ पे आप पुट कर दीजिए आप, फिर आपने जब कॉमन लेके करना है तो कॉमन लेके भी कर सकते हैं। मैंने इसमें से एक्स कॉमन लिया था तो क्या रहा था आपके पास एक्स स्क्र प्लस टू एक्स माइनस ए, तो एक्स की वैल्यू माइनस थ्री पुट करेंगे तो माइनस थ्री इंटू, अब एक्स स्क्र यानी माइनस थ्री का स्क्र नाइन और टू इंटू माइनस थ्री माइनस सिक्स माइनस ए इज इक्वल टू जीरो, तो माइनस थ्री इंटू नाइन में से सिक्स लेस करेंगे तो क्या रहेगा आपका थ्री, थ्री माइनस ए इज इक्वल टू जीरो, मल्टीप्लाई कीजिए माइनस के नाइन प्लस थ्री ए इज इक्वल टू जीरो आ जाएगा, तो ए की वैल्यू क्या आ जाएगी आपकी थ्री। तो आंसर क्या हो जाएगा इसका, ए इज इक्वल टू थ्री हो जाएगा, ऑप्शन ए हो जाएगा इसका आंसर। क्वेश्चन नंबर थर्टीन देखिए क्या है, द एस सी एफ ऑफ द पॉलिनोमियल सेवेंटी इंटू एक्स क्यूब माइनस वन एंड 105 इंटू एक्स स्क्र माइनस वन, इसमें भी आप फैक्टर कर लीजिए। अगर आप 70 के फैक्टर करेंगे तो आपको क्या मिलेंगे, 70 के फैक्टर 2 इंटू फाइव इंटू सेवन,
और एक्स क्यूब माइनस वन का अगर आप फॉर्मूला खोलेंगे ए क्यूब माइनस बी क्यूब का, तो क्या होगा ए माइनस बी इंटू में ए स्केयर प्लस बी स्केयर प्लस ए बी, तो ये हो जाएगा आपका फॉर्मूला। अब 105 के अगर आप फैक्टर करते हैं तो क्या होंगे, 5 इंटू 3 इंटू 7 और एक्स स्केयर माइनस वन के फैक्टर करेंगे तो एक्स माइनस वन इंटू में एक्स प्लस वन। अब दोनों में कॉमन देखिए तो क्या है, 5 दोनों में कॉमन आ रहा है, 7 दोनों में कॉमन आ रहा है और एक्स माइनस वन दोनों में कॉमन आ रहा है, तो एस सी एफ क्या हो जाएगा 7 5 35, 35 इंटू एक्स माइनस वन। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी 35 इंटू एक्स माइनस वन, ये 13 क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा आपका। 14th है, व्हाट शुड बी सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम 7x अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 12 टू गेट 3 अपॉन एक्स प्लस 3। तो आप कुछ भी मान सकते हैं, मान लीजिए मैंने इसमें से a सब्ट्रैक्ट कर दिया तो मुझे क्या मिल जाएगा, 3 अपॉन एक्स प्लस 3 मिल जाएगा। अब आपको एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 12 के फैक्टर बनाने हैं, बाय स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म्स अगर आप इसके फैक्टर बनाएंगे तो इसके फैक्टर आ जाएंगे आपके एक्स प्लस 4 इंटू में एक्स प्लस 3 और माइनस से। अभी ए को राइट हैंड साइड ले जाइए और इसको लेफ्ट, 3 अपॉन एक्स प्लस 3 को इधर ले आइए, तो क्या होगा 7x अपॉन में एक्स प्लस 4 इंटू में एक्स प्लस 3 माइनस 3 अपॉन एक्स प्लस 3। एलसीएम ले लीजिए, इसका एलसीएम क्या आ जाएगा आपका एक्स माइनस 4 इंटू में इसके फैक्टर बनेंगे एक्स माइनस 4 इंटू में एक्स प्लस 3 बनेंगे इसके फैक्टर, एक्स माइनस 4 इंटू में एक्स प्लस 3। तो अब एलसीएम क्या आएगा इसका एक्स माइनस 4 इंटू एक्स प्लस 3। आप इसको सोल्व करेंगे तो ए की वैल्यू आपको क्या मिल जाएगी, 4 अपॉन एक्स माइनस में 4। तो ऑप्शन बी इसका आंसर आ जाएगा 4 अपॉन एक्स माइनस में 4। क्यों, क्योंकि आपके पास जो टर्म्स बनेगी वो बनेगी आपके पास 7x अपॉन एक्स माइनस में 4, क्योंकि स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म से आप फैक्टर करेंगे, इंटू में एक्स प्लस 3 और माइनस 3 अपॉन एक्स प्लस 3 इज इक्वल टू ए। अब इसका एलसीएम क्या आएगा, एक्स माइनस में 4 इंटू में एक्स प्लस में 3। अब इसको सोल्व करेंगे, इससे डिवाइड करेंगे तो 7x ही रह जाएगा और माइनस में ये इससे कैंसिल, तो 3x प्लस 12 हो जाएगा। तो 7x में से 3x लेस करेंगे तो आपको क्या मिल जाएगा, 4x प्लस 12। तो 4 कॉमन आ जाएगा तो क्या रह जाएगा, 4 अपॉन एक्स माइनस 4। तो ऑप्शन बी इसका आंसर हो जाएगा 14th का। 15th देखिए क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज आर ट्रू, इनमें से बताने कौन से ट्रू है। द सम ऑफ द टू रेशनल एक्सप्रेशन इज ऑलवेज अ रेशनल एक्सप्रेशन, उसके बाद द डिफरेंस ऑफ टू रेशनल एक्सप्रेशन इज ऑलवेज अ रेशनल एक्सप्रेशन और पी एक्स अपॉन क्यू एक्स इज इन द इट्स लोवेस्ट टर्म ऑफ एलसीएम ऑफ पी एक्स इंटू क्यू एक्स इज इक्वल टू 1। एलसीएम नहीं, एससीएफ होना चाहिए इस पे। रेसिप्रोकल ऑफ माइनस 2x अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस 1 इज एक्स स्क्वायर माइनस 1 अपॉन 2x। तो अगर आप इसमें देखें ए और सी दोनों के दोनों क्या है, फॉल्स है, क्योंकि पी एक्स अपॉन क्यू एक्स लोवेस्ट फॉर्म में कब होगा, जब इनका एससीएफ 1 के इक्वल होगा, ना कि एलसीएम। और रेसिप्रोकल ऑफ माइनस 2x अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस 1 का रेसिप्रोकल होगा एक्स स्क्वायर माइनस 1 अपॉन में 2x, यहाँ माइनस के टर्म्स थी यहाँ पे नहीं है। तो इसका आंसर क्या होगा, केवल दो ही ट्रू होंगे ए एंड बी, तो ऑप्शन क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा, ए एंड बी। तो आपको 1 to 15 क्वेश्चन करने हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। तो अभी तक जिन्होंने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल मैथ स्टडी स्टेशन विद पीके सर, और 9 से लेके प्लस 2 तक एनसीईआरटी मैथ्स के सॉल्यूशन भी आपको इस चैनल पे मिलेंगे। तो प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल, थैंक यू।